हेलो किसान भाई, आप सब लोग का हमारे चैनल लेसन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सरसों की फसल से अधिक पैदावार किस प्रकार से ले सकते हैं, हाईएस्ट पैदावार करने के लिए आपको कौन से तरीके से सरसों की बुआई करना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरसों की बुआई करते समय आपको कौन कौन से कृषि कार्य को करना चाहिए और आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो का आप पूरा अंत जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी उर्वरकों का प्रयोग करना है और कौन कौन से बीज का चयन करना है, तो आप सबसे अधिक हाईएस्ट पैदावार कैसे करके ले सकते हैं सरसों की फसल से। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत जरूर देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक एकड़ में अधिक पैदावार किस प्रकार से ले सकते हैं, एक एकड़ में करीब 10 से 12 क्विंटल एकड़ की सरसों की पैदावार किस प्रकार से ले सकते हैं। तो इस वीडियो का पूरा अंत जरूर देखिएगा किसान भाइयों, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। जो हमारे किसान भाई हिमाचल पर पहली बार आए या जो हमारे किसान भाई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे अन्य काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के उन्हें नोटिफिकेशन मिलते रहे और वो काफ़ी अच्छी जानकारी लेते रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान भाई। किसान भाई, अगर आप सरसों की जब आप बुआई करते हो तो आपको ध्यान रखना है उर्वरकों की मात्रा के बारे में, और उससे पहले आपको ध्यान रखना है सरसों की बीज का चयन करते समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी है। क्योंकि किसान भाइयों, जब भी आप कोई भी बीज ले रहे हो मार्केट से, तो आप उस पैकेट के ऊपर जरूर देख लें कि उस पर हाइब्रिड लिखा हुआ है, हाइब्रिड मेंशन है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे मार्केट में बीज मौजूद हैं जो कि हाइब्रिड की गारंटी देते हैं, लेकिन उन पर हाइब्रिड मेंशन नहीं होता है, लिखा नहीं होता, और देसी बीज होते हैं। तो आप जब भी आप अपने एरिया में सरसों के बीज का चयन करें, तो आप उस पैकेट पे लिखा हुआ जरूर देख लें कि ऊपर हाइब्रिड लिखा हुआ होना चाहिए, उसी बीज का चयन करें। किसी देसी या किसी घर के रखे हुए बीज का चयन ना करें किसान भाई। अगर आप अधिक पैदावार लेने जा रहे हैं तो आपको हाइब्रिड बीज का चयन करना है। दूसरी चीज़ ये बात कर लेते हैं किसान भाई की, अगर आप NPK 12-32-16 के साथ सरसों की आप बुआई कर रहे हैं तो आप आराम से कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, इन तीनों चीज़ों की मात्रा होती है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई की, आपको इसके साथ में और कौन सी चीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके साथ में किसान भाई, आपको सल्फर का अवश्य प्रयोग करना है, क्योंकि सल्फर हमारी तेल वर्गीय फसलों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक होती है। तो आपको इसके साथ में 5 किलोग्राम सल्फर और करीब 45 से 50 किलोग्राम 12-32-16 NPK लेना है, और आपको एक एकड़ में इसकी बुआई कर देना है। अब हम बात कर लेते हैं, काफ़ी हमारे किसान भाई DAP के साथ में सरसों की बुआई करते हैं, तो उस कंडीशन में किसान भाई आपको क्या करना है कि आपको DAP में पोटास की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, तो आपको 20 किलोग्राम MOP पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास आपको लेना है, और उसके साथ में आपको सल्फर लेना है। 5 किलोग्राम सल्फर, 20 किलोग्राम MOP पोटास और करीब 40 से 45 किलोग्राम आपको DAP लेना है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप सरसों की बुआई कर दीजिएगा। किसान भाई, आप सरसों की बुआई मशीन से भी कर सकते हैं, हाथ से भी बुआई कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें किसान भाई, जब आप सरसों की बुआई करें तो आप 20 अक्टूबर से पहले सरसों की बुआई कर दें, ये एक सही समय। अगर आप सही उत्पाद लेना चाहते हैं तो आप 20 अक्टूबर से पहले सरसों की बुआई कर सकते हैं, उस समय पर आपको अधिक पैदावार मिलेगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि आपको पहली सिंचाई में कौन से उर्वरकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान भाई, जब आप पहली सिंचाई में आप उर्वरकों में बात करते हैं, आपको कोई ज़्यादा कार्य नहीं करना है, आपको यूरिया लेना है 40 से 45 किलोग्राम और उसका छींटा दे देना, उसके साथ में आप पोटास ले सकते हैं। अगर आपने सल्फर का प्रयोग नहीं करा है तो आप सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आपकी 3 से 4 पत्ती की सरसों हो जाए, उस समय पर आपको 40 से 45 किलोग्राम यूरिया और 20 किलोग्राम MOP पोटास, 4 से 5 किलोग्राम आपको सल्फर लेना है। इन तीनों चीज़ों का मिक्स करके आप छींटा देके पहले सिंचाई कर दें। किसान भाई, अगर आप इस तरीके से सरसों की बुआई करके खाद का जो मैनेजमेंट करते हैं, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करते हैं, तो आप अपनी सरसों की फसल से बेहद रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं। एक एकड़ से करीब 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ आप पैदावार ले सकते हैं। और किसान भाई, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपकी जो शुरुआत वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, सरसों की बहुत अच्छी होगी, और उसमें जो तेल बैठेगा सरसों में, मेन चीज़ होता है सरसों में तेल काफ़ी अच्छा बैठेगा, उसमें तेल काफ़ी अच्छा निकल करके आएगा। तो किसान भाई, आशा करते हैं मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसान भाई, अगर आपका कोई सवाल आता है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसान भाई, अगली वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।